हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। मेरे चैनल एमके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग के न्याय निगमन टॉपिक को देखेंगे और इसको वेन डायग्राम के सहायता से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम सबसे ईजी और ईजिएस्ट होता है सॉल्व करने के लिए। इसको इसे फ्रेंड्स आप कई और भी कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम आपको यहाँ पे आज वेन डायग्राम से सॉल्व करना सिखाएंगे। तो न्याय निगमन को इंग्लिश में सिलोजिस्म कहते हैं। यह ग्रीक शब्द है जिसका अभिप्राय तर्कपूर्ण ढंग से अनुमान करना होता है। इसे न्याय निगमन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर के ये फ्रेम है कि यदि निष्कर्ष एक अगर अनुसरण करता है तो, अगर निष्कर्ष दो अनुसरण करता है तो ऑप्शन बी, अगर निष्कर्ष एक और दो अनुसरण करता है तो ऑप्शन सी, अगर निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण नहीं करता तो ऑप्शन डी, और निष्कर्ष एक और दो अनुसरण करता है तो ऑप्शन ई। तो हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। कथन दिया है कुछ शहर नगर है और कुछ गांव शहर है। तो फ्रेंड्स, इसका पहले हम लोग वेन डायग्राम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर निष्कर्ष से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला गया है कुछ शहर, तो शहर का कुछ हिस्सा नगर है बोला गया है, तो कुछ शहर नगर है तो यह हिस्सा प्रदर्शित करता है शहर और नगर के बीच के रिलेशन को। और कुछ गांव शहर है तो यहाँ गांव में भी वैसी हो जाएगा। तो अब निष्कर्ष देखते हैं। तो पहला निष्कर्ष है कम से कम कुछ गाँव नगर है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, गाँव और नगर का कोई रिलेशन नहीं आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। और निष्कर्ष दो देखते हैं, कोई गांव नगर नहीं है। तो यहाँ भी देख लेते हैं कि कोई गांव नगर नहीं है, तो ये सही है, ये भी बिल्कुल गलत आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कथन दिया है सभी ग्लाइडर पैराशूट है, कोई पैराशूट वायुयान नहीं, सभी वायुयान हेलीकॉप्टर है। तो फ्रेंड्स, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो सभी ग्लाइडर पैराशूट है, मतलब ग्लाइडर अंदर आ जाएगा पैराशूट के, कोई पैराशूट वायुयान नहीं है, तो वायुयान को पैराशूट से थोड़ा अलग ड्रॉ करेंगे। फिर बोला गया है सभी वायुयान हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर वायुयान के ऊपर बन जाएगा। अब निष्कर्ष देखते हैं, कोई भी ग्लाइडर वायुयान नहीं, तो ये सही दिया है पहला, क्योंकि वायुयान और ग्लाइडर बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, और सभी ग्लाइडर के हेलीकॉप्टर होने की संभावनाएं हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न में एक और हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको देखिएगा सेकंड को, फिर से हम लोग कथन से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सभी ग्लाइडर पैराशूट है, सभी ग्लाइडर पैराशूट है, कोई पैराशूट वायुयान नहीं, तो वायुयान को अलग बना देंगे। लेकिन यहाँ पे फिर तीसरा कथन बोला गया है कि सभी वायुयान हेलीकॉप्टर है, तो वायुयान को पूरा ले लेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो इस कंडीशन में सभी ग्लाइडर के हेलीकॉप्टर होने की संभावनाएं हैं, मतलब कि दूसरा सही आ रहा है, तो इसका दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सभी शासक मशीनें हैं, कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं हैं, तो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे बोला फ्रेंड्स, ये एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सभी शासक मशीनें हैं, तो शासक मशीनें हैं मतलब मशीन बाहर में हो जाएगा, और कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं हैं, तो कुछ मशीन का हिस्सा महंगी वस्तु से, इसको हम लोग रेड कलर से यहाँ पे डिनोट किए हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं, तो यहाँ पे शासक और महंगी वस्तु के कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये रेड कलर शो कर रहा है महंगी वस्तु और मशीन के बीच में रिलेशन को, तो ये निष्कर्ष तो सही हो जाएगा। और सभी महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, सभी महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, सभी महंगी वस्तुएं मशीनें नहीं हैं। तो यहाँ पे सिर्फ निष्कर्ष दो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कथन दिया है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ है। कुछ कारें वाहन हैं, कोई भी वाहन चार पहिया नहीं, तो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। कुछ कारें वाहन हैं मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन यहाँ रेड कलर से हो जाएगा, और कोई भी वाहन चार पहिया नहीं, तो चार पहिया को हम लोग अलग बना देंगे। वो कोई भी वाहन चार पहिया नहीं बोला गया तो उससे अलग हो जाएगा। अब निष्कर्ष देखते हैं। कोई भी कार चार पहिया नहीं है, कोई भी कार चार पहिया नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिए चार पहिया और कार के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। और सभी चार पहिया कारें हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। और कुछ वाहन कारें हैं, तो कुछ वाहन कारें हैं यहाँ पे रेड कलर से डिनोट किया गया है, तो एक और दो यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कथन दिया है कुछ मोबाइल उपकरण है। फ्रेंड्स, यह भी एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ है। कुछ मोबाइल उपकरण है, सभी उपकरण भारी वस्तुएं हैं, तो इसके वेन डायग्राम बनाते हैं। कुछ मोबाइल उपकरण हैं, तो यहाँ पे मोबाइल हो जाएगा और उपकरण हो जाएगा, तो कुछ पार्ट को हम लोग उपकरण यहाँ पे बना सकते हैं। फिर सभी उपकरण भारी वस्तुएं हैं, तो उपकरण के ऊपर में पूरा उपकरण के पार्ट को भारी वस्तुएं कवर कर लेगा। अब निष्कर्ष देखते हैं। कुछ मोबाइल भारी वस्तुएं हैं, कुछ मोबाइल भारी वस्तुएं हैं, तो यहाँ पे रेड कलर से डिनोट किया गया है, जो निष्कर्ष एक का पालन करती है। और कोई भी मोबाइल भारी वस्तु नहीं है, कोई भी मोबाइल भारी वस्तु नहीं है, तो यहाँ पे आ जा रहा है भारी वस्तु है, क्योंकि दोनों मिक्स हो गया यहाँ पे एरिया, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ भारी वस्तुएं उपकरण है, सभी उपकरण भारी वस्तुएं हैं, या फिर कुछ भारी वस्तुएं उपकरण है, दोनों का एक ही मतलब है, तो ये सही हो जाएगा। तो एक और तीन निष्कर्ष पालन करता है। नेक्स्ट है, सभी अभिनेता लेखक हैं, कुछ लेखक नृत्यकार है, सभी कवि लेखक है। इसका वेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग। सभी अभिनेता लेखक है मतलब लेखक ऊपर में आ जाएगा, उसके अंदर अभिनेता आ जाएगा, और कुछ लेखक नृत्यकार है, तो लेखक कुछ लेखक को बोला है नृत्यकार, तो यह रेड कलर नृत्यकार और लेखक के बीच में रिलेशन को शो करेगा। और बोला गया है तीसरा कथन कि सभी कवि लेखक हैं, तो कवि भी लेखक के अंदर आ जाएगा। अब निष्कर्ष देखते हैं। सभी अभिनेता कवि है, सभी अभिनेता कवि है, तो यहाँ पे अभिनेता और कवि में कोई रिलेशन नहीं है, तो निष्कर्ष एक गलत हो गया। कुछ नृत्यकार लेखक हैं, तो यहाँ पे ये रेड कलर में दोनों के बीच में संबंध दिख रहा है, तो से दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा। कुछ नृत्यकार अभिनेता है, तो यहाँ पे नृत्यकार और अभिनेता में कोई रिलेशन नहीं है, तो निष्कर्ष 2 ही यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी रॉकेट खंभे हैं, कुछ ट्राम रस्सियाँ हैं, सभी रस्सियाँ तंबू हैं। फ्रेंड्स, ये कॉरपोरेशन बैंक पीओ में 2010 में पूछा गया है, क्योंकि पीओ में ऐसे ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं बैंक के एग्ज़ाम में। कथन दिया गया है सभी रॉकेट खंभे हैं, तो यहाँ पे रॉकेट अंदर में हो जाएगा और ऊपर में खंभा, क्योंकि सभी रॉकेट को खंभा बोला गया है। और कुछ ट्राम रस्सियाँ हैं, तो यहाँ पे ट्राम का बना देंगे, और बोला गया है कि कुछ ट्राम रस्सियाँ हैं, तो यहाँ पे ये लाल कलर रस्सी को शो करेगा। और सभी रस्सियाँ तंबू हैं, तो जितने भी रस्सी वाले पार्ट हैं, जितने भी रस्सी के पार्ट हैं, वो तंबू में आ जाएंगे। अब देखते हैं निष्कर्ष। कुछ तंबू ट्राम हैं, तो यहाँ देखिए कुछ तंबू ट्राम यहाँ पे लाल कलर में दिखाया गया है, तो निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। कुछ रस्सियाँ रॉकेट हैं, फ्रेंड्स यहाँ देखिए रस्सी और रॉकेट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ ट्राम रॉकेट हैं, कुछ ट्राम और रॉकेट और ट्राम के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ खंभे रॉकेट हैं, फ्रेंड्स यहाँ पे सभी रॉकेट खंभे हैं या फिर कुछ खंभे रॉकेट हैं, ये दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो एक और
चार अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी चेक नोट है फ्रेंड्स ये SBI PO के एग्ज़ाम में आया था, सॉरी बैंक ऑफ इंडिया PO 2010 में आया था। तो कथन दिया गया है सभी चेक नोट है, तो यहाँ देखते जाइए चेक अंदर में है तो उसके ऊपर में नोट है, ये पोर्शन इसका नोट हो गया। फिर सभी नोट टायर है, इस नोट को ये टायर ऊपर में बना देंगे क्योंकि सभी नोट टायर दिया गया है। फिर सभी टायर किताबें हैं, अब टायर के ऊपर में किताब बना देंगे, पूरा किताब का गोला बना देंगे। फिर सभी किताबें छड़ हैं, अब किताब के ऊपर में छड़ बना देंगे। अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ छड़ नोट है, तो यहाँ देखिए कुछ छड़ नोट है फ्रेंड्स, यहाँ निष्कर्ष देखते हैं कुछ नोट छड़ है। यहाँ देखिए नोट हमारा ये हो गया, ये वाला गोला, कुछ नोट छड़ है या फिर कुछ छड़ नोट है, दोनों एक ही है तो ये पालन करेगा। कुछ किताबें टायर है या फिर कुछ टायर किताबें हैं तो ये भी पालन करेगा। कुछ टायर चेक है, कुछ टायर चेक है या फिर कुछ चेक टायर है तो ये भी पालन करेगा। अतः हमारा सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया है सभी छात्र लड़के हैं, तो ये छात्र अंदर में हो जाएगा, लड़का बाहर में, लड़का का जो वेन डायग्राम है वो बाहर में हो जाएगा। कोई लड़का कुठित नहीं है तो कुठित अलग हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको हमारे CGPSC प्री 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब निष्कर्ष देखते हैं, कोई छात्र कुठित नहीं है तो बिल्कुल सही है क्योंकि छात्र और कुठित दोनों एक दूसरे से दूर हैं। कक्षा में कोई लड़की नहीं है, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे लड़के की बात हो रहा है, तो 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया है 1 या 2 को छोड़कर सभी कर्मचारी सुस्त तथा निष्क्रिय हैं, और दूसरा दिया गया है सभी कर्मचारी बूढ़े आदमी हैं। तो यहाँ पे देखिए सुस्त कुछ को छोड़ दिए तो सभी कुछ को छोड़कर सभी कर्मचारी सुस्त और निष्क्रिय हैं, और बोला गया है सभी कर्मचारी बूढ़े हैं, तो बूढ़ा का वेन डायग्राम बाहर में बन जाएगा। तो निष्कर्ष देखते हैं, कुछ कर्मचारी कुशल हैं, कुछ सुस्त रहते हैं यहाँ पे, कुछ अन्य हैं वो कुशल होंगे तो सही हैं। तो कुछ बूढ़े आदमी अच्छे कर्मचारी हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ बूढ़े आदमी, तो यहाँ पे देखिए जो कुशल कर्मचारी है वो कुछ बूढ़े आदमी भी हैं तो वो भी अच्छे होंगे, तो 1 और 2 अनुसरण कर रहा है। क्वेश्चन 11, कथन दिया गया है बाजार में कुछ दुकानों पर नियान लाइट है, कुछ दुकानों पर नियान लाइट है लेकिन उन सभी पर साइन बोर्ड है। फ्रेंड्स इसको हम लोग सीधा कथन से बनाते हैं क्योंकि इसका वेन डायग्राम बनाना पॉसिबल तो नहीं लग रहा है। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट बनाइएगा, ये भी CGPSC 2017 के एग्ज़ाम में आया है। फ्रेंड्स यहाँ पे कथन में सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखिए कि कुछ दुकानों पर नियान लाइट है और सभी पर साइन बोर्ड है। अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ दुकानों पर साइन बोर्ड है लेकिन यहाँ पर बोला गया है सभी पर साइन बोर्ड है तो ये गलत हो जाएगा, और कुछ दुकानों पर नियान लाइट है लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ दुकानों पर नियान लाइट दिया गया है, तो कथन निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, कथन दिया है कुछ खिलाड़ी बहादुर है, तो ये खिलाड़ी का हो गया वेन डायग्राम बहादुर है, तो जो रेड पार्ट है दोनों के बीच में संबंध दर्शा रहा है, और सभी लड़के बहादुर हैं तो जितने भी लड़के हैं वो अंदर में हो जाएंगे क्योंकि सभी लड़के बहादुर हैं बोले हैं, ना कि सभी बहादुर लड़के हैं। अब देखते हैं निष्कर्ष, कुछ खिलाड़ी लड़के हैं तो खिलाड़ी और लड़कों में कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, सभी लड़के बहादुर हैं तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि वो अंदर में है बहादुर के, इसे हमारे रिसेंटली PSC प्री 2019 में पूछा गया है, तो ऑप्शन 2 अनुसरण कर रहा है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और भी रीजनिंग के मैं ऐसे ही टॉपिक्स आपके लिए लेकर आऊँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।